सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BS मोटिवेशन ऑफिशियल में। मेरा ये वीडियो पब्लिक ऐप के ऑडियंस, फेसबुक के ऑडियंस, इंस्टाग्राम के ऑडियंस और यूट्यूब के ऑडियंस सभी जगह पे जाएगा और आप सभी लोग देख रहे होंगे। जो आज का पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में घर वापसी के लिए, घर वापसी कहेंगे तो घर वापसी के लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा। घर वापसी इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जब आर्यों का आगमन हुआ, विदेशी मुगलों का आगमन हुआ, उससे पहले यहाँ पे श्रमण संस्कृति हुआ करती थी। श्रमण संस्कृति यानी कि बौद्ध संस्कृति। यहाँ पे कोई भगवान नहीं था, कोई ईश्वर नहीं था, कोई देवी देवता नहीं थे, सिर्फ तथागत बुद्ध थे और उनका धम्म था। बाद में इन लोगों ने आक्रामक रूप से, हिंसक रूप से लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया और उन्हें किसी ने मुगल बनाया, किसी ने हिंदू बनाया, किसी ने सिख बनाया, किसी ने शूद्र बनाया। तो ये सब विदेशियों के आगमन के बाद में इस भारत में शुरू हुआ। तो अब हमें अपनी श्रमण परंपरा में वापसी कैसे करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। श्रमण संस्कृति में, बौद्ध धर्म में वापसी करने के लिए आप अपने नज़दीकी बुद्ध विहार जाइए और वहाँ पे धम्म दीक्षा लीजिए किसी भिक्खु के द्वारा। धम्म दीक्षा लेने के पश्चात में अपने बौद्ध धर्म का प्रमाण पत्र लीजिए, जिसको कहते हैं धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र। वो प्रमाण पत्र लेने के बाद में जहाँ पे भी आप बौद्ध धर्म लिखना चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जनगणना होती है या अन्य कहीं पे भी जहाँ भी हिंदू धर्म लिखने को बोला जाता है, वहाँ पे हिंदू ना लिख करके, संविधान ने आपको ये पावर दी हुई है कि हिंदू ना लिख करके आपको बौद्ध लिखना है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर हम बौद्ध लिखते हैं तो हमारी जाति का क्या होगा, तो इसका भी सलूशन है। अगर आप धर्म में बौद्ध लिखते हैं तो आपको जाति में भी बौद्ध लिखना पड़ेगा क्योंकि बौद्ध धर्म में जातियाँ नहीं होती हैं। और कैटेगरी की बात करें तो अगर आप OBC हैं तो OBC लिखना है कैटेगरी में, धर्म में बौद्ध लिखना है, जाति में भी बौद्ध लिखना है। अगर माइनॉरिटी की बात करें, बौद्ध धर्म दो तरीके के होते हैं। एक तो संविधान ने हमें ये पावर दे रखी है कि हम अपना कोई सा भी धर्म लिख सकते हैं। SC ST OBC इस देश के हिंदू नहीं हैं, यानी कि वो बौद्ध भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं और मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम अपना धर्म बौद्ध लिखेंगे और कैटेगरी में SC ST OBC जो भी है वो लिखेंगे और जाति के कॉलम में भी बौद्ध लिखेंगे। इसके लिए हमें कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए प्रूफ के लिए और कुछ नहीं। धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये मनुवादी सत्ता के लोग हैं, ये मांगेंगे, ये प्रूफ जरूर मांगेंगे। दूसरी प्रोसेस है धर्म परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन हम क्यों करें? अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं बौद्ध धर्म में तो उसमें आप अल्पसंख्यक बनेंगे यानी कि माइनॉरिटी। तो उसके लिए आपको भारत सरकार से गजट नोटिफिकेशन कराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं वो ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में इस मनुवादी योगी सरकार ने यहाँ पे ये प्रोसेस बंद कर दी है और इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है, दिल्ली के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में या फिर महाराष्ट्र से या अन्य राज्य से इसको अप्रूव करवा सकते हैं, भारत सरकार से गजट करवा सकते हैं और एक एफिडेविट लगा के अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। जो आपका जातिगत सरनेम है उसको भी आपको चेंज कराना पड़ेगा, उसको चेंज कराएंगे तभी बुद्धिस्ट हो पाएंगे, तभी आपकी एक अलग पहचान हो पाएगी। तो इस तरह से गजट नोटिफिकेशन कराएंगे तो आप माइनॉरिटी हो जाएंगे और माइनॉरिटी का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को कहीं पे भी लगा सकते हैं और कैटेगरी में अल्पसंख्यक लिख सकते हैं, धर्म में बौद्ध लिख सकते हैं और जाति के कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं या बौद्ध लिख सकते हैं। ये हो गई प्रोसेस दोनों तरीके से, माइनॉरिटी यानी कि धर्म परिवर्तन करके भी और बिना धर्म परिवर्तन किए भी। धर्म परिवर्तन एक प्रोसेस है जो कि सरकारी कागजों में करनी पड़ती है,
वरना हम तो पहले से ही बुद्धिस्ट थे, अभी भी बुद्धिस्ट हैं, हमारे पुरखे बुद्धिस्ट थे और हमें धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हिंदू की जगह हमें बौद्ध लिखना चाहिए, यही इसका सलूशन है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप किसी बुद्ध विहार जाते हैं तो वहाँ पे धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो उसका सलूशन है आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाऊंगा, या फिर मेरी वेबसाइट है www.tathagatbuddhaworld.com, उस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या फिर भारतीय बौद्ध महासभा की वेबसाइट है tvsoi.org, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारी संस्था की जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की www.tathagatbuddhaworld.com, या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करके भी आपका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9144382343, इस नंबर पे अपना आधार कार्ड भेजिए और एक छोटा सा शुल्क लगता है, वो शुल्क में 100 रुपीज़ का मात्र, वो शुल्क फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर संस्था के वेबसाइट पे जमा करके या कुटुंब ऐप पे जमा करके आपका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने की बात हो गई। अगर आपने आपके आसपास बुद्ध विहार नहीं है तो उसके लिए ऑनलाइन दीक्षा की भी सुविधा है, ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं और ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। ऑनलाइन दीक्षा के लिए भी tathagatbuddhaworld.com वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो धन्यवाद साथियों ये वीडियो सुनने के लिए। अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पब्लिक ऐप पे या फेसबुक पे या अन्य किसी सोशल साइट पे वीडियो देख रहे हैं या किसी अन्य वेबसाइट पे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।